आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज हराएंगे सेथ रॉलिंस को एंड अपना टाइटल रिटेन करेंगे रॉयल रंबल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोस रिटर्न करेंगे WWE में, काफी बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई है। एंड हम बात करेंगे डायमंड प्रिंस की स्ट्रीक एंड हो चुकी है, वो कौन सी मैं बात करने वाले हूँ। वीडियो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है, तो इस वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके नेक काम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं डायमंड प्रिंस से, जिसकी स्ट्रीक एंड हो चुकी है मंडे नाइट रॉ में। तो कौन सी उस स्ट्रीक मैं आपको बता देता हूँ। तो डायमंड प्रिंस जब से WWE में आया वो सिंगल लॉस्ट नहीं किए हैं। यहाँ पर वो है मंडे नाइट रॉ में केविन ओन्स के साथ मैच हुई है, उसके अंदर वो नॉन टाइटल मैच में क्लीन पिन फॉल से वो मैच हार गए। यहाँ पर जो है उनकी स्ट्रीक एंड हो चुकी है फाइनली। डायमंड प्रिंस की स्ट्रीक रोमन रेंज जैसे ही चल रही थी, उनको कोई नहीं हरा पाया। यहाँ पर जो है अभी उनकी स्ट्रीक एंड हो चुकी है डायमंड प्रिंस की, एंड यहाँ पर वो केविन ओन्स से हार गए। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, एंड वो हमारी जुड़ी हुई है रोमन रेंज हरा देंगे सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल पे पर व्यू में, आ अपना टाइटल भी रिटेन कर लेंगे। तो देखो इसके ऊपर देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखो डेव मैनेजर का ये कहना है कि अगर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को हरा देंगे तो आगे उनके दरवाजे खुल जाएंगे, जो कि उनका मैच होगा अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया मेन इवेंट में। ऐसे ही प्लान्स हमें नज़र आ रहे हैं कि आगे चल के ब्रॉक के साथ मैच होगी रोमन रेंस की रेसलमेनिया में। तो यहाँ पर रेसलमेनिया 38 तो काफ़ी अच्छा पेपर व्यू नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर ये मैच रहेगा रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अगर रोमन हार जाते तो स्ट्रीक भी जाएगी। तो यहाँ पर देखो रॉयल रंबल में ही अगर रोमन रेंस को WWE हरवा देगी टाइटल, सेथ रॉलिंस को जिता देगी यूनिवर्सल टाइटल, तो यहाँ पर जो है WWE एक ही गलती करती थी कि सेथ रॉलिंस को काफ़ी ओवर पुश कर देते हैं, यहाँ पर फिर से उन्हें हेट मिल सकती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सेथ रॉलिंस को यहाँ पर नहीं जीतवाएगी WWE, यहाँ पर रोमन अपना टाइटल को रिटेन कर लेंगे ऐसा नज़र आ रहा है। अगर WWE चाहती है कि सेथ रॉलिंस जीते तो ये उनका गलत डिसीजन भी साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें हेट भी मिलेगी। WWE सेथ रॉलिंस को अगर पुश भी करती तो वो एज अ ओवर पुश ही कर देती काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस टॉप गाय बन चुके हैं, ब्रॉक की स्ट्रीक भी तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर रोमन रेंस पॉसिबली अपना टाइटल को रिटेन ही कर लेंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की स्ट्रीक तोड़ने वाली, तो इसको आखिर में WWE काफ़ी अच्छी तरीके से हराएगी WWE रोमन रेंस को रेसलमेनिया से पहले रॉयल रंबल में। ये शायद गलत हो सकता है, लेकिन WWE पे डिपेंड वो कहाँ पर हराएगी कहाँ पर नहीं, तो WWE जाने। लेकिन अब हम चलते हैं मेरे नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की तरफ, एंड वो हमारी जुड़ी हुई है डीन एम्ब्रोस आ सकते हैं WWE में रिटर्न। तो डीन एम्ब्रोस आएंगे WWE में रिटर्न, काफ़ी बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। तो देखो आए दिन काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस WWE में आएंगे। तो यहाँ पर डेव मैनेजर का ये कहना है कि WWE AEW के साथ बात चल रही है, इनकी अंदर ही बात चल रही है, यहाँ पर सामने तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। कंपनीज के साथ बात हो रही है, अलग अलग सुपरस्टार्स को बुलाना चाहती है WWE और AEW का बातचीत चल रही है, शायद यहाँ पर डेव मैनेजर का कहना है। एंड यहाँ पर डीन एम्ब्रोस हमें देखने को मिले ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर फिर से रिटर्न हुआ है, एंड जाहिर सी बात है अभी इनको AEW में क्लियर करा गया है, तो यहाँ पर वो ज़रूर WWE में देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो जब चाहे कहाँ भी रेसलिंग कर सकते हैं। डीन एम्ब्रोस पर डिपेंड है कि वो WWE को ज्वाइन कर सकते हैं AEW को छोड़ के, यहाँ पर जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि इंटरव्यू में डीन एम्ब्रोस ने ये भी कहा था कि अगर WWE मेरे मुताबिक चलेगी, यानी मुझे अच्छी तरीके से प्लान्स करेगी, काफ़ी कुछ देगी, थोड़ा क्रिएटिव कंट्रोल देगी, तो यहाँ पर वो जल्दी आना पसंद करेंगे WWE में। मेरा मतलब है कि आना पसंद करेंगे WWE में, अगर वो आएंगे भी तो एक रेसल मीने के टाइप पर भी आना पसंद करेंगे, जो कि एक रेसल मीने के लिए भी आ सकते हैं, काफ़ी बड़ा इवेंट होता है उनका कहना ये। एंड यहाँ पर AEW में तो आ चुके हैं डीन एम्ब्रोस, यहाँ पर उनकी चीज़ें अभी बिल्कुल ठीक है, एंड यहाँ पर वो हमें देखने को मिल सकते हैं WWE में फिर से रिटर्न, ड्राइवर रॉयल रंबल में एंट्रेंट कर सकते हैं डीन एम्ब्रोस। तो इसमें आपका क्या था और से नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को दबाओ पर जरूर सेलेक्ट करना, ताकि वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। इंस्टाग्राम पर हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अब तक लेते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।